विदिशा जिले के तेउदा रोड पर बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे के लगभग एक बाइक और स्कूटी के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिर गया। उसी दौरान पास से गुजर रहे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे युवक आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी सवार महिला के पैर में फ्रैक्चर आ गया। गुस्साए लोगों ने काफी देर तक चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया, वहीं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर को तेउदा रोड पर दोपहर के समय एक बाइक और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बताया जाता है कि बाइक तेज गति में थी, इस वजह से स्कूटी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक का केवल मास्क ही टूटा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्कूटी सवार महिला, जो कि लाल पठार के एक स्कूल में शिक्षक है, वह स्कूल से गंज बासुदा अपने घर आ रही थी और सामने से आ रहा बाइक सवार युवक, जो कि बासुदा की ओर से आ रहा था। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।